अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सब छुट्टियों पे गए हुए थे और अभी हम लोग छुट्टियों से वापस आ गए हैं। और आप सबको इन्हें पता होगा कि जब भी हम लोग वकांसों पे जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, जो भी आप बोल लें, और जब हम बाहर फिरते रहते हैं धूप में, और सबसे बड़ा जो हमारे साथ प्रॉब्लम होता है ना, वो स्किन टैनिंग का मसला होता है हमारे साथ के स्किन के ऊपर, जो सूरज की वजह से। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा केयर करती रही हूँ कि मैं सनस्क्रीन जो है वो 2 टाइम अप्लाई करती रही हूँ अपने फेस पे, अपने नेक पे। उसके बावजूद भी जब आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपका आबोहवा चेंज होती है, उसके बाद आपका ओवरऑल हर एक चीज़ चेंज होती है, और दूसरा आप फिरते धूप में रहते हैं तो स्किन पे टैनिंग का मसला हो जाता है। और मेरी स्किन पे बच्चों के बाद से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, बहुत ज़्यादा टैनिंग थी। और जब ये पीसा होता है कि बहुत ज़्यादा मैं धूप में रहती हूँ, उसकी वजह से मेरी स्किन टैन हो जाती है, जो मेरा ओरिजिनल कलर है उससे वो मैं एक दो टोन डार्कर हो जाता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी विजिबल हो जाती है और स्किन पे जो है सन स्पॉट पड़ जाते हैं। इससे बहुत सारी इशू हो जाते हैं जब आप नॉर्मली वैसे भी हों या जब वेकेशन पे गए हो तो, तब तो ये ज़्यादा होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जिसमें आपकी जीरो अमाउंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस तरह के आते हैं कि प्लीज़ हमें इस तरह का बताएं, जो फ्रैकल्स है, टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड, आइज़ के अराउंड, फोर हेड पे, ये किस तरह से रिमूव होगी, हमें कोई इसकी टिप बताएं। तो मैं अभी कोशिश ज़्यादा ये करती हूँ कि मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताऊँ जो जिस पे जीरो अमाउंट आपकी जो है ना खर्चा हो, जो आपकी किचन में ही चीज़ें अवेलेबल हों। तो आज भी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये 110% इफेक्टिव है। फर्स्ट टाइम लगाने से ही आपको इसके रिजल्ट जो हैं वो विजिबल रिजल्ट जो हैं वो आपको नजर आएंगे। और कोशिश करें, क्योंकि मैं अभी दिन के टाइम वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे क्योंकि शाम के टाइम टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी आप करिएगा कोशिश करिएगा कि ये आप रात के टाइम करें, दिन के टाइम ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि हम लोग जितना भी स्पेशली हाउसवाइफ जितना भी करें ना, चूल्हे के पास जाना पड़ता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, सूरज के सामने होना पड़ता है, तो इस वजह से ना बेहतर है ये आप रात के टाइम ही करिएगा। और मैं एक आपको ये जो मैं आपको फेस पैक बताने लगी हूँ या फेस टैनिंग के लिए जो मैं बताने लगी हूँ, ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, सन स्पॉट और अन इवन स्किन टोन है जो उनसी, उसको ये क्लियर करेगा। और ये वो चीज़ है जो मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 5-6 साल से, और इसने मेरी पिगमेंटेशन बहुत हद तक, दो चीज़ें सिर्फ अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेना, एक सनस्क्रीन और दूसरा ये जो मैं अभी आपको फेस पैक बताने लगी हूँ ना, ये वाला, आपको मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है, कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये कि ख़त्म हो जाएगी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। और आज चले मैं आपको बताती हूँ, और सनस्क्रीन जो आपने लगाना है वो पिगमेंट कंट्रोल हो, यानी कि आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करे। तो चलिए बातें नहीं करते, तो आपको लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि किस जो किचन की चीज़ें हैं उन्हीं से आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आ जाए, अच्छा जी, ये भी आप देखें, हमें इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। ये चीनी है पाउडर फॉर्म में, आपने चीनी जो है वो बिल्कुल भी, जो उसके मोटे मोटे से पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ, जिस चीनी की प्योर फॉर्म है ना, उसमें आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। आपको चीनी चाहिए पिसी हुई पाउडर फॉर्म में, आपको लीमू चाहिए, मेरा बहुत बड़ा लीमू है तो ये मैंने आधा लिया, कोशिश करिएगा आप भी बड़े वाले साइज़ के लीजिएगा। और तीसरी इसकी जो चीज़ है वो है जी ये हनी, ठीक है, हनी है। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनके साथ आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होगी। अच्छा जी, अभी मैं आपको करके बकायदा दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से करना है, लेकिन उससे पहले अपना ये जो मैंने हल्का सा मेकअप किया हुआ है इसको रिमूव कर लेते हैं। ये बायोडर्मा का मेरा, ये भी बहुत अच्छा है स्किन की पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए ना, बहुत अच्छा है। और मैं पर्सनली ये यही एक यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं ट्राई मारती रहती हूँ लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं जो है आने से डायरेक्ट जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन को छोड़ के मैंने उससे एक दिन पहले ना ये जो है अप्लाई किया, अभी मैं सेकेंड टाइम अप्लाई करूँगी, ठीक है।
अच्छा जी, ये भी देखें, ये मेरी जो प्लेट है, ठीक है। अगर आप चाहें तो हनी के ऊपर ही, जो चीनी है उसके ऊपर ही हनी को डाल लें, अगर आप चाहें तो नींबू के ऊपर डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जो भी आपने इस्तेमाल करनी है ना इसके साथ शर्ट, वो थोड़ी मैसी हो जाएगी, तो इसलिए कोशिश करें कि आप वो डालें जो आपकी नई शर्ट वगैरह नहीं है। अच्छा भी ये देखें, ये मेरा नींबू जो है ना ये नरम है, थोड़ा सख्त नहीं है। अगर आपका सख्त हो भी तो उसको अच्छा सा ऊपर से प्रेस करके तो आप कर लीजिएगा। अभी ये देखें, ये देखें, ये मैं इनको, ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की हो जाएगी। ये देखें, ये अभी ये देखें, पहले हल्का सा आप अपने जो फेस है ना उस पर स्प्रे कर लें, उसको हल्का सा वेट कर लें। और आप मुझे, आप यकीन करें, दुआएं देंगे जिनके भी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया ना, इस तरह भी आपने इस तरह से इसको करना। और ये बहुत इफेक्टिव है, जिन लोगों को भी छाइयां ये इस तरह का मसला है ना, वो प्लीज 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 ये जरूर इस्तेमाल करें। अपने लिप्स पे भी, माउथ के अराउंड, इधर इन जगहों पे, जिधर जिधर पिगमेंटेशन होती है, टैनिंग को खत्म कर देता है, जड़ से उखेड़ देता है। ये इतना अच्छा है, ये आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट करना है, हल्के हाथों के साथ अपने सारे फेस पे, आंखों को नहीं टच करना आपने, ठीक है। ये आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी हो रही है, डेड स्किन भी आपकी उतर रही है, और आपकी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, हर एक चीज जो है। इसको भी मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ, फिर ऑन द स्पॉट रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आप देख लें, ये मेरे लीमू का हाल देख लें, इससे आधा, आधे से ज़्यादा जो लीमू है वो ख़त्म हो गया हुआ है। आपने इसको 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है, इसके अलावा मसाज नहीं करना, और जो राउंड मूवमेंट में आपने इसका मसाज करना। अभी मैं फेस वॉश करती हूँ और फिर मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ। ये देखिए अभी ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं अपना फेस जो है वो वॉश करके आ गई हूँ, अभी आप चेक करें, बल्कि मैं आपको जो डे लाइट है ना, नेचुरल मेरा मस्कारा फैल गया, उसमें चेक करवाती हूँ, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है अभी मेरे फेस पे। और मैं आपको एक और टिप दूं, कोशिश किया करें कि जो प्योर रोज़ वाटर है ना वो लाजमी इस्तेमाल करें। रोज़ वाटर जो है आपकी स्किन को नेचुरल हाइड्रेट करता है, फाइन लाइन रिंकल को ख़त्म करता है, ठीक है। आपने भी जब इसको वॉश करना है ना, उसके बाद आपने रोज़ वाटर की स्प्रे करनी है। अगर रोज़ वाटर नहीं है, फॉर एग्जांपल ठंडे पानी की छींटे मार ले, क्योंकि आपका जो हिस्सा जब आप करेंगे ना इसके साथ, तो आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, मतलब क्लीनिंग होगी ना, गंद निकलेगा। तो मैं थोड़ा सा टिंट लगा दूं, अभी आप, मैं चलती हूँ नेचुरल लाइट में दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरी नेचुरल स्किन है, ठीक है। ये मेरा दाना फिस गया है, पता नहीं किधर से निकला, मुझे तो दाने निकलते ही नहीं है। ये अभी आप करीब से चेक करें, ठीक है। ये देखें, आपको हो सकता है मेरे मेकअप में नहीं था लग रहा, लेकिन मेरे पिगमेंटेशन है हल्की हल्की सी। ये देखें, देखें, ये देखें, ये हल्की हल्की सी है, हालांकि मेरे स्किन पे कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो हम लोग बाहर गए हैं धूप में फिरते ना, उसकी वजह से हुई हुई है। लेकिन आप यकीन करेंगे, ये भी आपके सामने है मेरी स्किन, नो मेकअप, नो फिल्टर, कोई कुछ भी नहीं है। आपके सामने भी मैं मुंह धो के आई हूँ, ये मेरा मस्कारा वगैरह भी उतर गया हुआ है। और ये इतना इफेक्टिव है, ये इतना इफेक्टिव है कि आप इसको रेगुलर 1 वीक में आप इसको एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि एक्सफोलिएशन जो है ना वो भी ज़्यादा स्किन को जो है वो नुकसान देती है स्किन। और ये रोज़ वाटर है ना, वो भी फ्रिज में रखा करें। रोज़ वाटर आप यकीन करिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो नेचुरल प्योर फॉर्म है रोज़ वाटर। ये आपकी उसको फाइन लाइन्स, रिंकल को आने से रोकता है, आपके जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको डिले करता है। और ये जो जो एक्सफोलिएटर है या एक्सफोलिएशन है, जो भी इसको आप बोल रहे हैं, ये 110% जो है गारंटीड है,
ऑयली ड्राई दोनों स्किन वाले कॉम्बो वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल करती हूँ आपके सामने कि अगर ना होता तो मैं आपके सामने कभी ना करती। और अगर दिन को इस्तेमाल करें तो आपने पहले अपने जो फेस पे ठंडे पानी के छींटे मार लें या कोई भी आपने टोनर अप्लाई करना है जो नेचुरल फॉर्म में हो, और बेस्ट रहा रोज़ वाटर, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सनस्क्रीन कर लेना। अगर आप रात को करते हो ज़्यादा बेस्ट रात को है, रात को करते हो आप रोज़ वाटर स्प्रे करो, उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओ तो आप सो जाओ। आप फिर इसके रिजल्ट चेक करना, जो जो दिन गुजरेंगे ना इसका रिजल्ट और बेस्ट होगा। एक दिन जब सुबह उठेंगे तब चेक करिएगा और बाद में चेक करिएगा। और आई होप कि आप लोगों के लिए ये मेरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिंग रही होगी। ये कोई भी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, ब्राउन स्पॉट जो मुंह के अराउंड, नाक के अराउंड, आंखों के अराउंड, आपके फोरहेड पे, प्रेगनेंसी के इवन के बारे में, सब का एक हाल है। और ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ। और कोशिश करूँगी कि जो भी मैं जितनी भी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ वो सारी जो हैं आपको उस पर पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।